मांडुक्य उपनिषद। हे देवगण, हम भगवान का यजन आराधन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। सब ओर फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। ओम परमात्मन, हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। ओम, ऐसा यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है। यह संपूर्ण जगत उसका ही उपव्याख्यान अर्थात उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। भूत जो हो चुका है, वर्तमान और भविष्यत जो होने वाला है, यह सब का सब जगत ओमकार ही है तथा जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है वह भी ओमकार ही है। व्याख्या। इस उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके चार पादों की कल्पना की गई है। नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए प्रणव की अ, उ और म इन तीन मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उसके अव्यक्त रूप के साथ परब्रह्म परमात्मा के एक एक पाद की समता दिखलाई गई है। इस प्रकार इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा का नाम जो ओमकार है उसको समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ओम यह अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत उन्हीं का उपव्याख्यान अर्थात उन्हीं की निकटतम महिमा का निदर्शक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होने वाला है वह सब का सब ओमकार ही है अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही है तथा जो तीनों कालों से अतीत इससे भिन्न है वह भी ओमकार ही है अर्थात कारण रूप और स्थूल इन तीन भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाले परब्रह्म के जिस अंश की इसके आत्मा रूप में और आधार रूप में अभिव्यक्ति होती है उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्मा का समग्र रूप है। अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्म को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं उन्हें सर्वज्ञता, सर्वधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनंद, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणों से संपन्न नहीं मानते। वे सब उन परब्रह्म के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तथा साकार निराकार दोनों से रहित भी हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी हैं। वे सर्व गुणों से रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुण संपन्न भी हैं। यह मानना ही उन्हें सर्वांग पूर्ण मानना है। सब कुछ ओमकार कैसे है, अब यह कहते हैं। क्योंकि यह सब का सब ब्रह्म है, यह परमात्मा जो इस दृश्य जगत में परिपूर्ण है ब्रह्म है। वह यह परमात्मा चार चरणों वाला है। व्याख्या। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सबका सब ब्रह्म है और ओमकार उनका नाम होने के कारण नामी से अभिन्न है, इसलिए सब कुछ ओमकार है। यह बात पहले मंत्र में कही गई है। क्योंकि यह संपूर्ण जगत उन परब्रह्म परमात्मा का शरीर है और वे इसके अंतर्यामी आत्मा हैं, इसलिए वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैं। वे सर्वात्मा परब्रह्म आगे बताए हुए प्रकार से चार पाद वाले हैं। वास्तव में उन अखंड निर्वयव परब्रह्म परमात्मा को चार पादों वाला कहना नहीं बनता, तथापि उनके समग्र रूप की व्याख्या करने के लिए उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार भेदों को लेकर श्रुतियों में जगह जगह उनके चार पादों की कल्पना की गई है।
उसी दृष्टि से यहां भी श्रुति कहती है, जागृत अवस्था की भांति यह संपूर्ण स्थूल जगत जिसका स्थान अर्थात शरीर है, जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है, भूहु भूवह आदि सात लोक ही जिसके सात अंग हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और चार अंतःकरण, ये विषयों को ग्रहण करने वाले 19 समष्टि करण ही उनके 19 मुख हैं, जिसके 19 मुख हैं, जो इस स्थूल जगत का भोक्ता, इसको अनुभव करने वाला तथा जानने वाला है, वह वैश्वानर यानी विश्व को धारण करने वाला परमेश्वर पहला पाद है। व्याख्या, परब्रह्म परमात्मा के चार पाद कैसे और किस प्रकार हैं, यह बात समझने के लिए जीवात्मा तथा उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उदाहरण देते हुए उन परमात्मा के तीन पादों का वर्णन क्रमशः किया गया है। उनमें से पहले का इस मंत्र में वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर का अभिमानी जीवात्मा सिर से लेकर पैर तक सात अंगों से युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोग द्वार रूप 10 इंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, इस प्रकार इन 19 मुखों से विषय का उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगत में फैला रहता है, उसी प्रकार सात लोक रूप 7 अंगों और समष्टि इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, इस प्रकार 19 मुखों से युक्त इस स्थूल जगत रूप शरीर का आत्मा, जो संपूर्ण देवता पितर मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का प्रेरक और स्वामी होने के कारण इस स्थूल जगत का ज्ञाता और भोक्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत में हो रही है, वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला पाद है, जो विश्व अर्थात बहुत भी हो और नर भी हो उसे वैश्वानर कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्थूल जगत रूप शरीर वाले सर्वरूप परमेश्वर को यहां वैश्वानर कहा गया है। ब्रह्मसूत्र अध्याय 1 पाद 2 सूत्र 24 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का वाचक जहां वैश्वानर पद आए वहां वह जीवात्मा या अग्नि का नाम नहीं है, पर परब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है, ऐसा समझना चाहिए। वैश्वानर विद्या में भी इसी प्रकार परमात्मा को वैश्वानर बताया गया है। अतः यहां जागृत स्थान इस पद के बल पर जागृत अवस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का पहला पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि तीन अवस्थाओं के दृष्टांत से ब्रह्म के तीन पादों का वर्णन करने के पश्चात छठे मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओं में स्थित बताया गया है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये लक्षण जीवात्मा में नहीं घट सकते, इसलिए भी यहां सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वर को ही परब्रह्म का एक पाद कहा गया है, यही मानना युक्तिसंगत मालूम होता है। स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, पूर्वोक्त 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला सूक्ष्म जगत का भोक्ता तेजस, प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। व्याख्या, इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणित हुए 7 लोक रूप 7 अंग और इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण रूप 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है। वह समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसलिए उसका भोक्ता और जानने वाला कहा जाता है। वह तेजस
अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। समस्त ज्योतियों का ज्योति, सबको प्रकाशित करने वाला परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर का ही वर्णन यहां तेजस नाम से हुआ है। ब्रह्मसूत्र के ज्योतिषर्णाभिधानात इस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति वा तेजह शब्द ब्रह्म का वाचक ही समझना चाहिए। जहां ब्रह्म के पादों का वर्णन हो, वहां तो दूसरा अर्थ जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति ही, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते और तेजस येन सूर्यस्तपति तेज सिद्ध के नाम से हुआ है। इसलिए यहां केवल स्वप्रस्थान पद के बल पर स्वप्नावस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो हैं ही, उनके सिवा यह एक और कारण भी है कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है। किंतु यहां जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है, उस दूसरे पाद रूप हिरण्यगर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसीलिए इसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया है। और दसवें मंत्र में ओमकार की दूसरी मात्रा ऊ के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया है। और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वाले की संतान का ज्ञानी होना कहा है। स्वप्नाभिमानी जीवात्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिए भी तेजस का वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति अवस्था है। ऐसी सुषुप्ति की भांति जो जगत की प्रलय अवस्था अर्थात कारण अवस्था है, वही जिसका शरीर है, जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप है, जो एकमात्र आनंदमय अर्थात आनंद स्वरूप ही है, प्रकाश ही जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, वह प्राज्ञ ब्रह्म का तीसरा पद है। व्याख्या: इस मंत्र में जागृत की कारण और लय अवस्था रूप सुषुप्ति के साथ प्रलय काल में कारण रूप से स्थित जगत की समानता दिखाने के लिए पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति अवस्था के लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तीसरे पाद का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है, तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था के सदृश जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था है, जिसमें नाना रूपों का प्राकट्य नहीं हुआ है, ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है, उपनिषदों में जिसका वर्णन कहीं सत के नाम से और कहीं आत्मा के नाम से आया है, जिसका एकमात्र चेतना प्रकाश ही मुख है और आनंद ही भोजन है, वह विज्ञान घन आनंदमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। यहां प्राज्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय के चौथे पाद के अंतर्गत पांचवें सूत्र में प्राज्ञ शब्द ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से सूत्रों में ईश्वर के स्थान पर प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य ने तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर परमेश्वर के बदले प्राज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर प्राज्ञ शब्द का परमेश्वर के स्थान में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र में साथ ही साथ ईश्वर से भिन्न शरीराभिमानी जीवात्मा का भी वर्णन है। यहां प्रकरण भी सुषुप्ति का है,
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टि से प्राज्ञ शब्द जीवात्मावाचक नहीं है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्वयं शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से नित्य संयुक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है। अतः उपर्युक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है। इसके सिवा प्राज्ञ के विशेषणों में प्रज्ञानघन और आनंदमय शब्दों का प्रयोग है जो कि जीवात्मा के वाचक हो ही नहीं सकते। इसलिए यहां केवल सुषुप्त स्थान पद के बल पर सुषुप्ति अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बाद अगले मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित तीन पादों के नाम से जिनका वर्णन हुआ है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। इसके सिवा 11वें मंत्र में ओमकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरे पाद की एकता करके उसे जानने का फल सबको जानना और संपूर्ण जगत को विलीन कर लेना बताया है। इसलिए भी प्राज्ञ पद का वाच्यार्थ कारण जगत के अधिष्ठाता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। वह प्राज्ञ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पाद है। ऊपर बताए हुए ब्रह्म के पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। व्याख्या, जिस परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है यह संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, यही सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी हैं, यही संपूर्ण जगत के कारण हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान यही हैं। प्रश्नोपनिषद में तीनों मात्राओं से युक्त ओमकार के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करने की बात कहकर उसका फल समस्त पापों से रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेना बताया गया है। अतः पूर्व वर्णित वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ परमेश्वर के ही नाम हैं। अलग अलग स्थिति में उन्हीं का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चौथे पाद का वर्णन करते हैं, जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान धन है, न जानने वाला है, न नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया हो, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण चिन्ह नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार प्रमाण है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। व्याख्या, इस मंत्र में निर्गुण, निराकार, निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है, न भीतर की ओर है, और न दोनों ही ओर है, जो न ज्ञान स्वरूप है, न जानने वाला है, और न नहीं जानने वाला ही है, जो न देखने में आ सकता है, न व्यवहार में लाया जा सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है, न चिंतन करने में, न बतलाने में आ सकता है, और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है, एकमात्र परमात्म सत्ता की प्रतीति ही जिसमें सार यानी प्रमाण है, ऐसा सर्वथा शांत, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादों में विभाग करके वर्णन किया गया वे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं को जानना चाहिए। उक्त परब्रह्म परमात्मा की उनके वाचक प्रणव के साथ एकता करते हुए कहते हैं, वह जिसको चार पाद वाला बताया गया है यह परमात्मा उसके वाचक प्रणव के अधिकार में प्रकरण में वर्णित होने के कारण तीन मात्राओं से युक्त ओमकार है, अ,
उ और म। ये तीनों मात्राएं ही तीन पाद हैं और उस ब्रह्म के तीन पाद ही तीन मात्राएं हैं। व्याख्या, वे परब्रह्म परमात्मा जिनके चार पादों का वर्णन किया गया है, यहां अक्षर के प्रकरण में अपने नाम से अभिन्न होने के कारण तीन मात्राओं वाला ओमकार है, अ, उ और म। ये तीनों मात्राएं ही उनके उपर्युक्त तीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ओमकार की तीन मात्राएं हैं। जिस प्रकार ओमकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादों से परमात्मा अलग नहीं है। यहां पाद और मात्रा की एकता ओमकार के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए की गई है, ऐसा मालूम होता है। ओमकार की किस मात्रा से ब्रह्म के किस पाद की एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासा पर तीन मात्राओं का रहस्य समझाने के लिए प्रथम पहले पाद और पहली मात्रा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। ओमकार की पहली मात्रा अकार ही समस्त जगत के नामों में अर्थात शब्द मात्र में व्याप्त होने के कारण और आदि वाला होने के कारण जागृत की भांति स्थूल जगत रूप शरीर वाला वैश्वानर नामक पहला पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि प्रधान बन जाता है। व्याख्या, परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार की जो पहली मात्रा अ है, यह समस्त जगत के नामों में अर्थात किसी भी अर्थ को बतलाने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब में व्याप्त है। स्वर अथवा व्यंजन कोई भी वर्ण अकार से रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है अकारो वय सर्वा वाक, ऐत्रेय आरण्यक। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अक्षरों में वर्णों में मैं अ हूं तथा समस्त वर्णों में अ ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार इस स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वे वैश्वानर रूप अंतर्यामी परमेश्वर व्याप्त हैं और विराट रूप से सबसे पहले स्वयं प्रकट होने के कारण इस जगत के आदि भी वे ही हैं। इस प्रकार अ की और जागृत की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इस स्थूल जगत रूप शरीर में व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पाद की एकता होने के कारण अ ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीर के आत्मा परमेश्वर की एकता को जानता है और उनकी उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को अर्थात इच्छित पदार्थों को पा लेता है और जगत में प्रधान सर्वमान्य हो जाता है। अब दूसरे पाद की और दूसरी मात्रा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। ओमकार की दूसरी मात्रा उ अ से उत्कृष्ट होने के कारण और दोनों भाव वाला होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला तेजस नामक दूसरा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है और समान भाव वाला हो जाता है। इसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को जानने वाला नहीं होता। व्याख्या, परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार की दूसरी मात्रा जो ऊ है, वह अ से उत्कृष्ट ऊपर उठा हुआ होने के कारण श्रेष्ठ है तथा अ और म इन दोनों के बीच में होने के कारण उन दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, अतः यह उभय स्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानर से तेजस यानी हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज्ञ के मध्यगत होने से वह उभय संबंधी भी है। इस समानता के कारण ही ऊ को तेजस नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह है कि इस स्थूल जगत को प्राकट्य से पहले परमेश्वर के आदि संकल्प द्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सृष्टि के नाम से आता है, जिसमें समस्त तत्व तन्मात्राओं के रूप में रहते हैं, स्थूल रूप में परिणित नहीं होते, उस सूक्ष्म जगत रूप शरीर में चेतन प्रकाश स्वरूप हिरण्य गर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं तथा कारण जगत और स्थूल जगत इन दोनों से ही
सूक्ष्म जगत का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वे कारण और स्थूल दोनों रूप वाले हैं। इस तरह ऊ और मानसिक सृष्टि के अधिष्ठाता तेजस रूप दूसरे पाद की समानता होने के कारण ऊ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार ऊ और तेजोमय हिरण्य गर्भ स्वरूप की एकता के रहस्य को समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत के सूक्ष्म तत्वों को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण इस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, उसे बढ़ाता है और सर्वत्र समभाव वाला हो जाता है, क्योंकि जगत के सूक्ष्म तत्वों को समझ लेने के कारण उसका वास्तविक रहस्य समझ में आ जाने से उसकी विषमता का नाश हो जाता है। इसलिए उससे उत्पन्न हुई संतान भी कोई ऐसी नहीं होती जिसको हिरण्य गर्भ रूप परमेश्वर के उपर्युक्त रहस्य का ज्ञान न हो जाए। ओमकार की तीसरी मात्रा म ही माप करने वाला अर्थात जानने वाला होने के कारण और विलीन करने वाला होने से सुषुप्ति की भांति कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है, प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है अर्थात भली भांति जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। व्याख्या: परमात्मा के नामात्मक ओमकार की जो तीसरी मात्रा म है, यह मां धातु से बना है। मां धातु का अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है यह समझ लेना है। यह म ओमकार की अंतिम मात्रा है, अ और उ के पीछे उच्चारित होती है, इस कारण दोनों का माप इसमें आ जाता है, अतः यह उनको जानने वाला है। तथा म का उच्चारण होते होते मुख बंद हो जाता है, अ और उ दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं, अतः वह उन दोनों मात्राओं को अंत में विलीन करने वाला भी है। इस प्रकार सुषुप्त स्थानीय कारण जगत का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों अवस्थाओं में स्थित जगत को जानने वाला है। कारण जगत से ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उनका लय भी होता है। इस प्रकार म की और कारण जगत के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पाद की समता होने के कारण म रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार म और प्राज्ञ स्वरूप परमेश्वर की एकता को जानता है, इस रहस्य को समझकर ओमकार के स्मरण द्वारा परमेश्वर का चिंतन करता है, वह इस मूल सहित संपूर्ण जगत को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करने वाला हो जाता है, अर्थात उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है, अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वर को ही देखने वाला बन जाता है। मात्रा रहित ओमकार की चौथे पाद के साथ एकता का प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद का उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार मात्रा रहित प्रणव ही व्यवहार में न आने वाला प्रपंच से अतीत कल्याणमय अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है। वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा परात्पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतः प्रविष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार जानता है। व्याख्या: परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार का जो मात्रा रहित बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है, वही मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याणमय अद्वितीय निर्गुण निराकार रूप चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओं की पहले बताई हुई तीन पादों के साथ समता है, उसी प्रकार ओमकार के निराकार स्वरूप की परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप चौथे पाद के साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओमकार और परब्रह्म परमात्मा की अर्थात नाम और नामी की एकता के रहस्य को समझकर परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके नाम जप का अवलंब लेकर तत्परता से साधन करता है,
वह निसंदेह आत्मा से आत्मा में अर्थात परात्पर परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। परब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकरण में उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चार पादों की कल्पना, उनके स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखाने के लिए एवं उनकी सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो अचिंत्य शक्ति है वह उनसे सर्वथा अभिन्न है, यह भाव दिखाने के लिए की गई है।